How dare you? हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं जयसिंह तुम्हारी इस हरकत से। हमने आपको बेटे जैसा माना और आपने हमारी बेटी को जुए में दांव पे लगा दिया। अब हम ये सगाई हरगिज नहीं होने देंगे। गलती हमारी है, माँ है ना हम। हमारी जिम्मेदारी थी जय को अच्छे संस्कार देने की। हम हमेशा से सोचते थे कि ये सिर्फ लापरवाह है और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, पर हम ये नहीं जानते थे कि ये इस कदर जुए में डूबे हुए हैं कि आज अपनी ही हमें माफ कीजिए। राजेश्वरी जी, दिग्विजय जी, हमें बहुत दुख है कि यह रिश्ता टूट गया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए राजेश्वरी जी। प्लीज मान लीजिए, ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि गलती तो हमने। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेंगे आप। घराने की नाक पहले ही आप कटा चुके हैं और शर्मिंदा मत होने दीजिए हमें। जाइए और अपना सामान पैक कीजिए आप। हम उम्मीद करते हैं जब भी मुलाकात हो इसे बेहतर हालात में हो। आज्ञा दीजिए। काश हम आपको कुछ ऐसा कह पाते जिससे आपका दुख कम होता, पर अफसोस हम माफी मांगने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। हमारा जय आपके लायक नहीं है, पर हमें यकीन है कि एक दिन आपको एक ऐसा राजकुमार मिलेगा जो आपकी बहुत इज्जत करेगा। खुश रहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हमारा सारा सामान कहाँ गया? गया कहाँ सारा सामान आखिर? यहाँ है। ये सामान पे मैंने कब्जा कर लिया है, ये देखिए। पागल हो गई है, वापस कर। अरे अरे एक मिनट रुको, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, बदले में कुछ तो लूंगी ना आपसे। अब पता नहीं आप कब वापस आएंगे, या शायद कभी वापस आए ही ना, इसीलिए जितना छीन सकती थी छीन लिया। अब आप अपना सामान भूल जाइए। ज्यादा कुछ कहा ना उस दिन तो बचा लिया था, लेकिन आज जाके बता दूंगी कि सिर्फ जुआरी ही नहीं, कितने बड़े अय्याश आदमी हैं आप। जय कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं?
इज्जत, पैसा, उधारी चुकाने का मौका, आज सब तेरी वजह से हार गए हम रानी, छोड़ेंगे नहीं। आज ये खाली बैग ले जा रहे हैं, पर एक दिन वापस आएंगे और तेरी सारी खुशियां छीन कर ले जाएंगे हम। अब चलें या और बेइज्जती करवानी बाकी है? नंदिनी, I'm... बस! निकल जाइए अभी के अभी, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। सॉरी मालिनी जी, आपके सामने हमने इतनी सख्ती के साथ आपके बेटे, काश हमने ये सख्ती जय को पहले दिखाई होती तो आज ये दिन नहीं देख रहे होते हम। चलते हैं राजेश्वरी जी, खामा गणी गणी खम्मा। सॉरी भाई। नो नंदिनी, प्लीज ये करने की जरूरत नहीं है। बोलने दीजिए, आपने इतनी कोशिश की हमको समझाने की लेकिन हमने आपकी एक नहीं सुनी। आपने वही किया जो आपको सही लगा। यही तो फर्क है भाई, हमने वही किया जो हमको सही लगा, मगर आप वही करते हैं जो इस घर के लिए सही होता है। कैसे भूल गई सब? आज आपने हमको बचा लिया भाई, पर ना हमारी जिंदगी, हमारा करियर, पूरी। थैंक यू। मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। थैंक यू। अगर आपको किसी को दिल से थैंक यू कहना है तो रानी को कहिए। क्योंकि ये सब सिर्फ रानी की वजह से हो पाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे आप सबको एक और जरूरी बात बतानी है। वीर, और कौन सी बात है जो आपने हमसे छुपाई है? पापा की जान क्यारा ने नहीं, रानी ने बचाई थी। पद्मनी मासी और क्यारा ने ये बात हमसे छिपाई। हमें ये जताया कि क्यारा ने ही पापा की जान बचाई थी, पर सच तो ये है कि उस रात अगर रानी नहीं होती तो आज पापा हम सबके बीच नहीं होते। लेकिन पद्मिनी ऐसा क्यों करेगी? I'm sorry रानी। नहीं नहीं रानी, हमने कितना बुरा भला कहा, इतना कुछ इतना गलत समझा। I'm so sorry। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए।
नहीं रानी। थैंक यू, कहने को बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा होता है ना भाई? पर जो तुमने हमारी और हमारी फैमिली के लिए किया है, उसके लिए ये दो शब्द भी बहुत छोटे पड़ गए। क्योंकि इन्होंने काम ही इतना बड़ा जो किया है, हमारे परिवार का मान, उसकी इज्जत, उसका रुतबा, हमारा बेटा, सबको एक नई जिंदगी दी है। उम्र भर के लिए आपने हमें अपना शुक्रगुजार बना दिया है बहू रानी। बेटा, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें अपनी जान जाने का डर नहीं था, इन सबसे दूर जाने का डर था। तुमने हमारी जान बचाई, थैंक यू। अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो, जब जो चाहिए हो दिल खोल कर मांग लेना। ये रजावत परिवार तुम्हारे साथ है हमेशा। क्या भाभी साहब, सबको रुला दिया आपने? हाँ, सबने छोटे से थैंक यू की जगह इतनी लंबी लंबी भारी भरकम लाइनें बोल दी, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। क्योंकि हम दोस्त हैं, अब चाहे गांव हो चाहे शहर, दोस्ती तो दोस्ती होती है। एंड दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, डायलॉग पुराना है लेकिन अभी भी फिट होता है ना? मॉम, मुझे कियारा की सच्चाई शुरू से पता थी। वो और मासी साहब मिलके पता नहीं क्या अजीब अजीब प्लान्स बना रही थी। भाभी साहब को घर से बाहर करना चाहती थी वो। मासी तो जाते जाते ठीक होगी, लेकिन कियारा की सोच अभी भी वहीं अटकी है। मॉम, भाभी साहब ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने जो भी किया है इस पूरे परिवार की भलाई के लिए ही किया है। इसलिए मॉम प्लीज प्लीज आप भाभी साहब को माफ कर दीजिए ना, प्लीज। राजेश्वरी, रानी ने बहू बनने का फर्ज पूरा किया है, अब आप सास बनकर इन्हें आशीर्वाद तो दे दीजिए। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी बख्शीश। राजेश्वरी, ये क्या कर रही हैं आप? ये हमारे और इसके रिश्ते की पहचान है राजमाता। जब नौकर अच्छा काम करता है, मालिक उसे एक बख्शीश देता है, उससे गले नहीं लगाता, सर पे अपना हाथ नहीं रखता। राजेश्वरी, इसने हमारी यस आई नो, पता है हमें आपकी जान बचाई है और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं,
लेकिन ये मत भूलना कि हमने इसे और इसके बाप को भी एक अच्छी जिंदगी दी है, वरना ये लोग आज तक गांव में सड़ रहे होते। जो इसने किया है उसकी कीमत हम ये कीमती हार देकर चुका रहे हैं। ज्यादा अटैच्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। रानी साहब, सगाई के अंगूठे हार चुके हो, अब भी कुछ बचा है? क्या लगाएं दांव पर? जे हम कुछ बोल रहे हैं आपसे, आप सुन रहे हैं ना? नंदिनी, अगर आपको किसी को दिल से थैंक यू कहना है तो रानी को कहिए, क्योंकि ये सब सिर्फ रानी की वजह से हो पाया है। अंदर आ सकते हैं रानी सा? हम जानते हैं कि तुम हार लौटाने आई हो, लेकिन हम हार वापस नहीं लेने वाले, इसलिए तुम खुद ही लौट सकती हो। लौटाना तो पड़ेगा रानी सा, अगर तोहफा होता तो भी इसे अपनाना मुश्किल होता, पर शायद आपका आशीर्वाद समझकर हम रख लेते। लेकिन ये बख्शीश हम ना ही रख सकते। अच्छा, तो तुम हमारा अपमान करने आई हो? बिल्कुल भी नहीं रानी सा, हम तो ये कहने आए हैं कि ये हार जिस जिम्मेदारी के साथ आता है वो हम ना ही उठा पाएंगे। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारे बाऊजी है, हम तो उन्हें ही संभाल कर ना ही रख पाए। इस हार के लिए ना हमारे पास कोई पक्का वाला बक्सा है और ना ही कोई तिजोरी, दिन रात इसकी चौकीदारी में लगे रहेंगे तो ना हम सो पाएंगे ना ही अपने पढ़ाइयों पर ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए आपसे विनती करते हैं, इसे आप ही अपने पास सुरक्षित रख लीजिए ना। ऐसे बहुत हार है हमारे पास, और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, हमारे या हमारे इजाजत के बिना एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। ये बात भी सही है, सच कहे रानी सा तो हमें ना हार से ही डर लगता है। देखिए ना, बिन मांगे एक हार डॉक्टर साहब ही हमारे गले में डाल दिए, उसके कारण आज आप भी तकलीफ में हैं और हम भी। हम ना ही चाहते कि फिर से ऐसा कुछ हो, इसीलिए माफ कीजिएगा, हम इसे ना ही रख सकते। बहु रानी, बेटा वो क्या कहती है अब हर बार, अपना टाइम भी आएगा। हम जानते हैं कि अब दुखी है,
राजेश्वरी की बातों की वजह से आपको कहीं ठेस पहुंची है, लेकिन हमें समझने की कोशिश कीजिए। वो तीखा इसलिए बोलती है ताकि सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन वो सामने वाले का बुरा कभी नहीं चाहती। उसे बस थोड़ा वक्त दीजिए और हमें यकीन है कि वो आपके साफ और सच्चे मन की कदर करने लगेगी। उनकी बातों को दिल से मत लगाइएगा। नहीं नहीं राजमाता जी, ऐसा कुछ भी ना है, हम ठीक है और बाकी सब भी ठीक ही है। कल मकर संक्रांति का त्योहार है और आपकी शादी के बाद इस घर में आपका ये पहला त्योहार है। हम चाहते हैं कि आप ये त्योहार सबके साथ बड़ी खुशी से मनाएं। जी मनाएंगे ना, वो भी एकदम भौकाल तरीके से मनाएंगे। और आप भी तैयार रहिएगा, कल का हमार कमाल देखकर तो भौचक्की रह जाएंगी आप। ऐसी पतंगबाजी दिखाएंगे, ऐसे पेच लड़ाएंगे कि सबके होश उड़ जाएंगे। आपको पतंग उड़ाना आता है? अरे माता रानी की कसम, सीधा कन्ने पे खेच मारते हैं हम। अच्छे अच्छों का पतंग काट देंगे, लेकिन हमार उड़ान कोई ना ही रोक पाएगा।